वेलकम बच्चों, क्लास 12 भौतिक विज्ञान में आज हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन। विद्युत द्विध्रुव के कारण हम जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने बताया विद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं। जब दो समान आवेश परंतु विपरीत प्रकृति वाले अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो ऐसे पदार्थ विद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। तो मान लिया गया ए बी एक कोई विद्युत द्विध्रुव है जो निर्वात में उपस्थित है। बच्चों निर्वात एक परावैद्युतांक माध्यम है जिसके लिए के का मान एक होता है। अब देख रहे हैं कि इसके मध्य बिंदु से ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ए बी विद्युत द्विध्रुव है जिसकी अल्प दूरी 2L है, जिसका मध्य बिंदु O है। O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है और ये सिस्टम जो है पूरा निर्वात में उपस्थित है। तब हम देखते हैं कि प्लस Q आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अर्थात वैद्युत बल रेखाएँ होती हैं वो बाहर की ओर दिष्ट होती हैं, बाहर की ओर जाती हैं, जबकि माइनस आवेश में वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आती हैं। तो यदि हम इनका परिणामी क्षेत्र निकालें ई वेक्टर, तो हम जानते हैं ई वन वेक्टर प्लस ई टू वेक्टर परस्पर विपरीत सदिश होने के कारण क्या आ जाएगा, इजिकल टू ई वन माइनस ई टू। मैग्नीट्यूड ले लिए गए, परिमाण ले लिया गया इनका, आपस में विपरीत सदिश हैं इसलिए प्लस का माइनस हो गया। हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पिछले वीडियो में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला भी निकाला था, E बराबर F इजिकल टू क्यू ई या E इजिकल टू हमने बताया था एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F अपान क्यू नाट। तो यहाँ से हमने देखा था एक फार्मूला हमको मिला था 1/4π0 क्यू क्यू नाट अपान आर स्क्वायर इंटू 1/Q0, क्यू नाट क्यू नाट कैंसिल हुआ तो ये हमें फार्मूला मिला E इजिकल टू 1/4π0 क्यू क्यू अपान आर स्क्वायर। तो हम देखते हैं E1 प्लस क्यू आवेश के कारण, E2 माइनस क्यू आवेश के कारण। तो प्लस क्यू आवेश के कारण तो हमें दूरी निकालनी पड़ेगी प्लस क्यू से, माइनस क्यू आवेश में दूरी लेंगे माइनस क्यू से। तो हम देख रहे हैं मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु था तुम्हारा पी, लेकिन अब प्लस क्यू वाले पॉइंट में देखिए बी पॉइंट पर यहाँ दूरी डिनोट नहीं की गई। तो हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक दूरी आर है, ये इतनी आर। यदि हम इतना भाग कट कर दें, इतना भाग है कितना एल, एल भाग कट कर दें तो बचेगा हमारा ये इतना भाग आर माइनस है। तो यहाँ से फार्मूला हमारा ये देखो लिखा है ई बराबर 1/4π0 क्यू अपान आर स्क्वायर, तो 1/4π0 क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर यहाँ दूरी थी एकल बिंदु में, आर यहाँ दूरी कितनी मिली आर माइनस एल। फिर आगे बढ़ेंगे, चिन्ह लगा है माइनस का, माइनस क्यू आवेश लेंगे, लेकिन माइनस क्यू आवेश का यदि हम परिमाण निकालेंगे तो इसका धनात्मक परिमाण आता है। हम जानते हैं कि किसी भी राशि का जब मापांक निकाला जाता है वो सदैव धनात्मक होता है, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है जिसका निर्धारण हम दिशा के माध्यम से करते हैं। आपस में विपरीत सदिश होने के कारण यहाँ प्लस का माइनस आया था, यहाँ प्लस था इसका माइनस हो गया, विपरीत सदिश होने के कारण मैग्नीट्यूड प्लस में ली गई। तो अब ई टू का मान रखेंगे तो कितना रखेंगे, 1/4π0 क्यू अपान माइनस क्यू आवेश लिखेंगे प्लस में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, परिमाण सदैव धनात्मक प्लस क्यू। ये माइनस चिन्ह क्यों आया, विपरीत सदिश के कारण आया। अब इसके बाद देखो माइनस क्यू से दूरी कितनी है पी पॉइंट की, इतनी दूरी आर है, एल और ज्वाइंट की जा रही, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी आर प्लस एल, कितनी दूरी हो जाएगी आर प्लस एल। फार्मूला क्या है, 1/4π0 क्यू अपान आर स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको हमको सॉल्व करना है,
तो हम देख रहे हैं कि E इज इक्वल टू 1/4πε0 q, E इज इक्वल, ये देखो 1/4πε0 q कॉमन मिल गया हमको, तो 1/4πε0 q कम कॉमन कर लिया, बचा ब्रेकेट में 1/r − l² - 1/r + l² LCM लिया जाए, कितना आ जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 1/r − l² का LCM लेंगे तो कितना मिल जाएगा LCM, हर हर का मल्टीप्लिकेशन, r − l² r + l² आमने सामने का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा r + l² और −r − l² ब्रेकेट बंद। E इज इक्वल टू 1/4πε0 q r + l² खोलेंगे तो कितना आ जाएगा r² + l² + 2rl, माइनस से मल्टीपल भी से माइनस लगा है, इसका खोलेंगे r² + l² - 2rl अपान, इसको क्या ले सकते हैं r − l एक ब्रैकेट में r + l और पूरे का होल स्क्वायर, दो घाते लगी है होल स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे फिर यही पार्ट आ जाएगा। E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4πε0 q r² + l² + 2rl माइनस का r² − l² + 2rl अपान r² a − b a + b, फार्मूला हम जानते हैं बच्चों, r² − l² a² − b² के रूप से, फिर पूरे का होल स्क्वायर, r² r² कैंसिल l² l² कैंसिल, E इज इक्वल टू 1/4πε0 q दो दो चार हो गए 4rl अपान, हम यहाँ से r² कॉमन ले रहे हैं, ऊपर दो घात लगी है तो का घात से गुणा करेंगे, r² के ऊपर दो घात लगी तो दो बार गुणा, तो गुणा में घातें जुड़ती है, तो r⁴, अब ब्रैकेट में बचा कितना 1 − l² / r² कॉमन का मतलब होता है डिवाइडेशन, डिवाइडेशन करेंगे तो r² / r² कैंसिल हो गया, 1 हो गया l² / r², अब इसमें घात कितनी लगी, दो दो लगा दी, हम देख रहे हैं l का मान r की अपेक्षा बहुत छोटा है तो क्या करेंगे, हम इसको जीरो मान करके अर्थात इसको इसका ये भाग छोड़ देंगे, तब कितना हमें मिलेगा पार्ट, E बराबर 1/4πε0 q 4rl अपान r⁴, एक घात कैंसिल हो गई तो मिला हमें 1/4πε0 q, इसको फैक्टर के रूप में लिख लिया जाए 2 × 2l अपान r³, बड़े ध्यान से देखिए q × 2l, जब दो समान आवेश परंतु विपरीत प्रकृति वाले अल्प दूरी पर स्थित होते हैं वे विद्युत द्विध्रुव की रचना कहते हैं, तो उनमें से किसी एक आवेश का परिमाण तथा बीच की अल्प दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 1/4πε0 q और q × 2l को हम लिख सकते हैं p 2p/r³, ये तुम्हारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, फिर एक बार देख लीजिए भाषा इसकी, माना ये भी कोई विद्युत द्विध्रुव है जो निर्वात में स्थित है बुआ, अगर निर्वात में ना स्थित होता तो यहाँ k लग जाता, k का मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है, जल के लिए अलग होता है, कागज के लिए अलग होता है, रबर के लिए अलग होता है, यहाँ निर्वात ले लिया इसलिए हमने k की वैल्यू नहीं पुट की, अगर ये कोई माध्यम हम k मानते तो यही फार्मूला हमारा बन जाता, E बराबर 1/4πε0 k 2π/r³, k क्या है, माध्यम है, माध्यम हमने निर्वात लिया इसलिए k की वैल्यू 1 हो गई, इसलिए यहाँ पर आया हमारा 1/4πε0 × 2π/r³, माना ये भी कोई विद्युत द्विध्रुव है जो निर्वात में उपस्थित है, यहाँ k की वैल्यू 1 है, इससे मध्य बिंदु O से r दूरी पर हमें निकालनी थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम जानते हैं प्लस q आवेश में
जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वो बाहर की ओर निकलते हैं। तो ये देखो बाहर की ओर डायरेक्शन लगा दी गई, और माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वो अंदर की ओर जाती हैं। तो देखते हैं कि हम ये परस्पर विपरीत सदिश हो गए, और विपरीत सदिश में प्लस का माइनस हो जाता है। यहाँ माइनस क्यू आवेश परिमाण नहीं लिया जाता है कि यहाँ माइनस क्यू लगा दे, परिमाण सदैव धनात्मक होता है। सदिश राशि है इसलिए डायरेक्शन पर मतलब रखता है, यहाँ डायरेक्शन उल्टी है इसलिए ये चिन्ह माइनस का आया, इसका मैग्नीट्यूड का। इस कारण माइनस नहीं आता है कि माइनस क्यों रख दिया जाए सर, यहाँ प्लस का माइनस हो जाए, ऐसा नहीं है। ये सदिश राशियाँ हम जानते हैं वे राशियाँ होती है जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता हो, और परिमाण सदैव एक धनात्मक राशि होती है। किसी भी राशि का हम परिमाण निकालते हैं वो सदैव धनात्मक आता है। फिर उसके बाद 1/4π ε0 देखिए, उतने भाग में हमने काला काला कर दिया है, ये कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट बाहर कर लिया गया, इतना पार्ट बचा, फिर सॉल्व कर लिया गया, और सॉल्व करने पर हमारा डेरिवेशन ये प्राप्त हुआ 1/4π ε0 × 2π/r³, जहाँ P विद्युत द्विध्रुवा गुण है, R क्या है दूरी है, E क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। आज के लिए बस बच्चों इतना ही, कल अगले वीडियो में हम बताएंगे निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन। थैंक यू।